नीनल की मौत के लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ। बहुत प्यार करता था उससे मैं, तो मैं देखा तो उसकी याद आ गई। क्या मीनल बिल्कुल मेरे जैसे थी? हाँ हाँ, लेकिन सिर्फ उसके बालों का और आंखों का रंग अलग था, भूरी आंखें थी उसकी। बहुत अफसोस हुआ, I'm sorry। और कुछ कहना चाहते हैं आप? तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, पुलिस वाला हूँ ना। मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, इसी शहर में पैदा हुई, पली बड़ी। परिणीता शर्मा मेरा पूरा नाम है, शॉर्ट में लोग परी कहते हैं। और क्या बताऊँ मैं आपको? एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर आए और मेरे साथ खाना खाएं। जी देखिए, इनकार मत कीजिए प्लीज, सिर्फ 2 दिन और शहर में हूँ, दोबारा आपको तकलीफ नहीं दूंगा, प्लीज। ओके। आज तो तू पिटने वाला है, पता नहीं किसकी औरत के चक्कर में फंसा है। अब किसे खाने पे बुलाए हैं? अरे देखता क्या है, अच्छा हुआ मेरे घर वाले घर में नहीं है, वरना तेरा कचरा हो जाता, कचरा। चुप है, दूंगा एक उल्टा हाथ का, जा टेबल लगा, टेबल लगा ना। लो लो, देखो आ गई। आ गई तो मैं चला, मैंने पीछे का दरवाजा खोल के रखा है। कहो शहजादे। आइए ना, अंदर आइए। ये घूर घूर के क्या देख रहा है? ठरकी नंबर 2 है क्या? नहीं नहीं, अब तेरी भी कहानी सुननी पड़ेगी। नहीं नहीं, दरअसल ये भी आपको देखकर धोखा खा गया, ये लोबो है और ये परी है, है ना बिल्कुल मीनल जैसी। हाँ बिल्कुल, उसका बिगड़ा हुआ रूप है। चलाट, चलो जल्दी से खाना वाना खिलाओ, बहुत भूख लगी है, रात को अपना प्रोग्राम भी है। अरे वाह, बड़ा अच्छा खाना लग रहा है, मटर पुलाव, इसमें क्या है? चिकन। खाना तो बहुत बढ़िया है, किसने बनाया है? ठरकी नंबर 2 ने। तू खड़ा क्यों है, बैठना। अरे बैठ। तुम लोग को लगता है खाने वाने का मूड नहीं है, मुझको देख के अपनी ठरक पूरी कर लो। हाँ अपन तो खा रहा है। माइंड ब्लोइंग खाना, मजा आ गया। ओ शहजादे वापस आ जा। सॉरी मैं खो गया था। हाँ हाँ मालूम है, तू भटका हुआ है। अच्छा मैं चली, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, जयराम जी की, अब दोबारा मत मिलना ऊपर भी नहीं, समझा? एक मिनट। अरे इसका तो 1 मिनट खत्म ही नहीं होता है, बोल क्या है? जाने से पहले एक छोटी सी फरमाइश है, अगर आप मेरी बात मान लेगी तो मुझे खुशी होगी। बोलो। मैं अभी आया। ये कहाँ गया है? मालूम नहीं। एक काम करो, आप इसे संभालो, मैं चली। हाँ नहीं नहीं, सुनो सुनो, बेचारा बहुत दुखी लड़का है, अकेला है, प्यार का मारा है मेरा बेटा। अगर तुम उसकी दिल की बात रख लोगी तो बहुत मेहरबानी होगी। ये क्या है? ये तो शादी का जोड़ा है। ये मीनल को बहुत पसंद था, उसे इस जोड़े में देखने का सपना है मेरा। मैं चाहता हूँ प्लीज एक बार आप इसे पहनकर मुझे दिखा दीजिए। लेकिन ये तो शादी का जोड़ा है, मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ? मैं नहीं पहनूंगी। आप अगर इसे पहन लेगी तो मुझे जीने का मकसद मिल जाएगा, प्लीज प्लीज इसकी ये बात मान लीजिए। बाप रे, कहाँ फंस गई मैं। ठीक है, थैंक यू। फौजी भाइयों, ये ऑल इंडिया रेडियो है, इसके बाद फरमाइशी गीत बंद। आज तो भलाई करने के चक्कर में
कलाई हो गई भैया। ऐसा वैसा तो नहीं करेगा ना? मुझ पर भरोसा रखो मीनल। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ मुझे, मैंने पहले से कहा था। वापस आ जाओ मीनल, वापस आ जाओ प्लीज। मुझे माफ कर दो। मैं मीनल नहीं, मैं परी हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका। मैं सब समझती हूँ। अरे बुड्ढे, तुझे तो समझाना चाहिए था इसे। I'm sorry। हद कर दी तुम लोग ने। लड़कियों को फंसाने का अच्छा ड्रामा बनाया है। पहले कहानी, फिर खाना, फिर ये शादी का जोड़ा, और फिर सुहाग रात। लेकिन मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। हाँ, अपनी रखवाली करना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम दोनों से ऐसे नहीं, ऐसे हाथ जोड़ा करते। खबरदार जो शक्ल दिखाई तो। क्यों, दरवाजा बंद कर दिया ना? मुझे पहले से ही तुम दोनों की नियत पे शक था। लेकिन तुम दोनों मुझे अकेला मत समझना, मैं हमेशा अपनी 6 इंची साथ रखती हूँ। चलो दरवाजा खोलो, नहीं तो यही लाशें गिरा दूंगी। तुम जो खोल रही हो वो दरवाजा नहीं, आलमारी है। दरवाजा उधर है। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें होटल तक पहुँचाना मेरी ड्यूटी है। चलो। तुमसे बहस करना तो बहुत ढीठ है। पता है, मेरा दिल रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ठीक है, अब तो खुश है ना? लेकिन अब मेरे पीछे मत पड़ना। सुनो, कल मैं जा रहा हूँ, शायद दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, बाय बाय। बुलाओ तो आऊँ, बुलाओ तो आऊँ, तो बुलाओ तो आऊँ, तो बुलाओ तो आऊँ, तो बुलाओ तो आऊँ, तो बुलाओ तो आऊँ। मीनल, मीनल, मीनल रुको, मीनल, मीनल, दरवाजा खोलो, मीनल दरवाजा खोलो। अब और झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, सच सच बताओ क्या राज है, कौन हो तुम? सागर, मेरा नाम परी है। और तुम परी हो तो मीनल कहाँ है? मैं ही तुम्हारी मीनल हूँ सागर, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी, मगर तुम मुझसे नफरत मत करना प्लीज। पहले सच बताओ। पिछले साल जब मैं बंबई घूमने गई, जाबर नाम के आदमी ने मुझे एक नाटक करने के लिए 50 लाख का लालच दिया। हालात से मजबूर होकर मैंने हाँ कर दी। किसी की बीवी बनने का नाटक करना था? हाँ, जाबर ने मुझे 15 लाख का एडवांस देकर मिसेस राय बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। सब कुछ बदल दिया। एक दिन जाबर ने मुझे मिस्टर राय के घर के बाहर छोड़ दिया। सब घरवाले भी मुझे मिसेस राय ही समझने लगे। अरे मैडम, आप तो अंदर थी, बाहर कब चली गई? चलिए आइए, आइए मैडम, आइए। यहां तक कि मिस्टर प्रताप राय भी मुझे पहचान न सके। शायद इसलिए कि मेरी शक्ल बिल्कुल मिसेस राय जैसी है। लेकिन ये सब नाटक किस लिए? मुझे ये सब नहीं पता। सवाल पूछने से मनाही की गई थी, तुम्हें अपनी तरफ खींचने को कहा गया था, पागलपन करने का नाटक करने को कहा था। यानी वो सब नाटक था, वो गाड़ी का एक्सीडेंट, तुम्हारा डूबना, तुम्हें तैरना भी आता है और गाड़ी भी अच्छी तरह चला लेती। हाँ, हाँ, क्योंकि मैं जाबर के जाल में फंस चुकी थी और तुम्हारे प्यार में। अगर तुम वही मीनल हो तो तुम जिंदा किस तरह हो?
क्योंकि तब तक जाबर को पता चल गया था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और उसने आखिरी चाल चली, मेरा तुमसे शादी की बात करना, तुम्हारे घर आना, बिल्डिंग की तरफ भागना, सब प्लान का एक हिस्सा था। जाबर ने मुझे टेरेस पे पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया था, मुझे जान से मारने की कोशिश की, मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागी। उसी वक्त मैंने अपनी तरह लड़की को ऊपर से गिरते हुए देखा, और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक बहुत बड़ी साजिश का एक हिस्सा हूँ। मैं घबराकर बॉम्बे छोड़कर यहाँ वापस लौट आई। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं डरती थी कहीं मैं तुमको खो न बैठूं। मैं तुमसे बेहद प्यार करने लगी थी। फरेब को प्यार का नाम मत दो। प्यार? तुमने मुझे धोखा दिया है। नहीं, लीव मी अलोन। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई। डिपार्टमेंट में मेरा नाम खराब हो गया, मेरी नौकरी चली गई। तुम्हारी वजह से किसी की जान चली गई। तुम एक लालची और झूठी लड़की हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सागर, मुझ पे यकीन करो। दोबारा ये गलती कभी नहीं करूंगा। फिलहाल तुम मेरे साथ चलने की तैयारी करो। कमान चल दे। मिस्टर राय, शायद इस आदमी को अच्छी तरह जानते हैं आप। हाँ, यह जाबर का फोटोग्राफ है। हमारी शिपिंग यार्ड का सिक्योरिटी इंचार्ज था। 2 साल पहले मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया था। इनके मैनेजर का खून किया था जाबर ने, और आपके एसपीओ डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर प्रधान ने उसे अरेस्ट भी किया था। बहुत ही टेढ़ा और खतरनाक किस्म का आदमी है वो। लेकिन अब क्या किया है उसने ऑफिसर? इसने एक और कत्ल किया है। कत्ल? किसका? शायद मिसेज राय का। What? लेकिन मीनल ने तो खुदकुशी की थी। 162। अरे कालिया, कहाँ लेके जा रहा है तू मुझे? चल, डरती क्यों है, हम लोग हैं ना। मीनल? डॉक्टर मेहता, मीनल जिंदा है? ये क्या उलिया बना रखा तुमने मीनल? बालों को क्यों रंग दिया? मैं मीनल नहीं, परी हूँ। मीनल बेटे, ये क्या कह रही हो? लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। ऑफिसर, ये सब क्या हो रहा है? अगर मेरी बीवी जिंदा है तो मैंने अग्नि किसे दी? और मीनल तुम? मैंने कहा ना, मैं मीनल नहीं हूँ। पिछली बार जो जाबर ने गोली चलाई तो मैं समझता रहा कि वो मुझे निशाना बना रहा, लेकिन असलियत तो कुछ और है। जाबर ने इसे मीनल बनाकर आपके पास भेजा है, लेकिन ये परी है। क्या कह रहे हैं आप? आपका मतलब है कि मैं अपनी बीवी को नहीं पहचानता? लेंसेज लगा लेने या होलिया बदल लेने से इंसान नहीं बदल जाते। ये तो मीनल बिटिया है, लगता है इसको फिर से दौरा पड़ गया है। दौरा आपको पड़ा होगा। तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ? जी नहीं। लगता है इसकी याददाश्त फिर से चली गई है, मगर ये मीनल ही है। आप लोग क्यों जबरदस्ती मुझे मीनल बनाने पे तुले हुए हैं? मैं परी हूँ, परी। बेटी डरो मत, हम तुम्हें ट्रीटमेंट देके ठीक कर देंगे। सागर प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मैं लोगों के साथ नहीं रहूंगी। सॉरी मिस्टर राय, लेकिन जब तक इस केस की इंक्वायरी खत्म नहीं होती ये मेरी कस्टडी में रहेगी। मगर ऑफिसर, मैं प्लीज मिस्टर राय, मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। वेल, एज यू से। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर। चलो